Hey guys, a very welcome back to my channel. I hope you guys are fine and doing well. So मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक purple haul जो मैंने this year first time मेरा इस year में first मेरा haul है जो purple.com से है. So मैंने कुछ product purchase किया है from Good Vibes का. So मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ share कर दूँ. दो मैं different video share करूँगी और सब product का अलग अलग आपको review भी share करूँगी. लेकिन अभी ये जो फिलहाल ये जो video है वो मेरा haul related है. मैंने क्या क्या purchase किया है last time जो purple में offer था, जो discount मिल रहा था, so उससे मैंने purchase किया है कुछ product. सो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. जो मैंने परचेज़ किया है वो है गुड वाइब्स का रिफ्रेशिंग फेस जेल ऑरेंज वाला. ये मेरा सेकेंड टब है. फर्स्ट टाइम जो मैंने परचेज़ किया था वो ऑरेंज जेल परचेज़ किया था. दैट इज़ अमेजिंग. ठीक है, तो इसका मुझे अलग से आपको रिव्यू देने का ज़रूरत नहीं है. मेरा अगर प्रीवियस वीडियो आप देखोगे, आई बटन पर अगर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा. वहाँ पर भी मैंने शेयर किया था ऑरेंज वाला जो जेल है फेस जेल, वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल एक प्रोडक्ट है जो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. कैन यूज़ एट आफ्टरनून और एट नाइट बिफोर गोइंग टू योर बेड यू कैन अप्लाई दिस जेल. सो मैंने ये वाला परचेस किया है. मुझे ये वाला 100 ग्राम वाला टब है और इसका कॉस्ट 235, लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट में मिला था. और एक बात जो है, गुड वाइब्स का जो ऑफर दे रहा था वो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री में मिल रहा था. ठीक है, सो मैंने सोचा है कि मैं क्यों ना मेरा जो यूज़फुल प्रोडक्ट मुझे गुड वाइब्स से पसंद आता है वो मैं परचेस कर लूँ फटाफट. सो मैंने परचेस कर लिया. तो मैंने चार प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था गुड वाइब्स का, उसमें से दो का प्राइस मुझे पे करना पड़ा और दो मुझे फ्री में मिल गया. ठीक है, सो मुझे ये वाला फ्री में मिला है. गोल्ड वाला एक ब्राइटनिंग जेल मास्क है. दिस इज़ काइंड ऑफ मास्क जो इसका कॉस्ट जो आप अगर सिंगल लोगे तो ये 290 रुपीज़ में आएगा. आपको सेल में मिल जाएगा purple.com में. ये एक्यूरेट प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, उससे लेस में ही मिल जाएगा. ये 50 ग्राम वाला टब है. तो मैं इसका डिटेल आपको बाद में बताती हूँ, उससे पहले मैं ऑरेंज वाला डिटेल आपको बता दूँ. ओके, दिस इज़ ऑरेंज रिफ्रेशिंग फेस जेल. एंटी एजिंग है, हाइड्रेटिंग है, विथ पपाया, नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट द ग्लोइंग एंड रेडियंट स्किन ऑफकोर्स. और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और उसके साथ स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा, एक ग्लोइंग इफेक्ट देगा. आप एक टब यूज़ करके देख सकते हो. दिस इज़ वेरी मच गुड प्रोडक्ट फ्रॉम गुड वाइब्स. सो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम गुड वाइब्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे फ्री में मिला है, दैट इज़ गुड वाइब्स ब्राइटनिंग जेल मास्क. मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी आप लोगों को रिव्यू भी शेयर कर दूँगी एक डिफरेंट वीडियो में. ओके, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट द ब्राइटन स्किन, एंड ये आपके सन टैन जो होता है वो उसको भी रिमूव करेगा. जितना सारा सन टैन आपके फेस में अगर है तो वो भी आपको बहुत ईजिली ये रिमूव करके देगा. लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा, वीक में एक बार आपको ये फेस मास्क यूज़ करना ही है टू गेट द बेटर रिजल्ट. एंड इट अब्सॉर्ब्स एक्सेस ऑयल एंड इम्प्योरिटीज, मेक्स योर स्किन सॉफ्ट, ब्राइटन एंड स्मूथ. सो आप इसको यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ अनादर गुड परचेज फ्रॉम गुड वाइब्स. यू कैन यूज़ दिस टू. सो ये मैं आपको डिफरेंट एक वीडियो शेयर कर दूंगी आपको इसको यूज़ करने के लिए. टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने परचेस किया है फ्रॉम गुड वाइब्स, दिस इज़ गुड वाइब्स ब्राइटनिंग फेस क्रीम, कोकोनट फेस क्रीम. सो ये भी ये इसका कॉस्ट था 350 रुपीज़ एज पर MRP, बट मुझे उससे लेस प्राइस में मिला है. और ये 100 ग्राम वाला टब है और इसके साथ मुझे एक 50 ग्राम वाला ये स्लीपिंग मास्क मिला है फॉर ब्राइटनिंग, पपाया स्लीपिंग मास्क. पपाया का जो मैंने लास्ट फेस मास्क गुड वाइब से यूज़ किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मतलब इंस्टेंट आपको एक डिफरेंस आपके फेस में मिलेगा. वो फेस मास्क भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और मेरा प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हो, मैंने वो प्रोडक्ट का भी रिव्यू शेयर किया है. तो मूविंग टू दिस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये भी नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल है. और कोकोनट ऑयल जो होता है हमारे स्किन की इलास्टिसिटी जो होता है उसको बहुत बरकरार रखता है, मतलब बहुत अच्छे से टेक केयर करता है. ये आप यूज़ कर सकते हो दिन में कभी भी, ठीक है, नाइट में, आफ्टरनून में आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. और थोड़ा सा क्वांटिटी लेके आप अपने फेस पे मसाज कीजिए, देन उसके बाद आपको एक ग्लोइंग स्किन, एक सॉफ्ट और क्लियर स्किन आपको मिलेगा. ये जो प्रोडक्ट है ये आपके स्किन के डार्क स्पॉट जो होता है उसको रिड्यूस करता है, स्किन सॉफ्ट करता है, ग्लोइंग इफेक्ट देता है. कोई भी अगर ब्लेमिशेस है, पिगमेंटेशन है आपकी स्किन में, वो भी बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है. सो यू कैन ट्राई दिस प्रोडक्ट एज वेल, बिकॉज ये कोकोनट वाला मुझे भी यूज़ करना था. इसका भी मैं डिफरेंट एक वीडियो शेयर कर दूंगी.
ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि मुझे फ्री में मिला है, दैट इज पपाया स्लीपिंग मास्क। इसका एक्चुअल कॉस्ट 50 ग्राम वाला है, इसका एक्चुअल कॉस्ट 285 रुपीज का। इसीलिए मैंने ये परचेस किया है टू नो हाउ दिस प्रोडक्ट विल वर्क। इसको यूज करने के लिए आपको एक थिन लेयर आपके फेस पे अप्लाई करके आपको ओवरनाइट रख देना है। फिर उसके बाद मॉर्निंग में जब आप अपना फेस को क्लीन करोगे या फिर वॉश करोगे, यू विल गेट दी फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग फेस आई एम श्योर। क्योंकि गुड वाइब्स का जितना सारा प्रोडक्ट होता है, नॉर्मली स्किन केयर जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे तो पर्सनली गुड वाइब्स का प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यू कैन ट्राई दिस 4 प्रोडक्ट इफ़ यू वॉन्ट। मैं सारा प्रोडक्ट का लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। और मुझे ज़रूर बताइएगा यूज़ करने के बाद कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। एक्चुअली आउटसाइड में बहुत ज़्यादा नॉइज है, सो इसके लिए मुझे हेडफोन का यूज़ करना पड़ा। लेट्स मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रोडक्ट। दोज आर नॉट फ्रॉम गुड वाइब्स बट डिफरेंट प्रोडक्ट है, दैट इज़ गार्नियर। ये जो एंटी एजिंग रिंकल लिफ्ट क्रीम है, ये मेरा सेकेंड टब है, ठीक है। इफ़ यू रिमेम्बर, मैं हर मेकअप वीडियो में वो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एज माय मॉइस्चराइजर। दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट फ्रॉम गार्नियर। ये एक प्रोडक्ट है जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एक रिस्पॉन्स या फिर बेनिफिट बोल सकते हैं मुझे मिला है। अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मेरा हर वीडियो में ये वाला प्रोडक्ट का एक रिव्यू रहता ही है। सो दिस इज़ माई प्रोडक्ट, दिस इज़ अमेजिंग प्रोडक्ट गाइस। ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही ज़्यादा एक इफ़ेक्टिव मॉइस्चराइज़र है। आप इसको विंटर में या फिर आप अगर समर में भी यूज़ करोगे तो ये इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये आपके स्किन के रिंकल्स, अगर आपका 30 एंड अबव है, आपके स्किन में जो रिंकल्स अगर जल्दी आ जाता है तो वो भी आपका रिड्यूस करेगा, स्मूथ करेगा आपके स्किन को। बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा आपका स्किन। आप एक छोटा वाला जो एक 18 ग्राम का एक टब आता है, आप इसको एक बार ट्राई करके देख सकते हो। दिस इज़ वेरी यूजफुल। बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट एज योर मॉइस्चराइजर। दिस विल वर्क सो 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 गुड गाइस, आई कैन टेल यू। ये आप यूज़ कर सकते हो, दिस इज़ माई फेवरेट प्रोडक्ट टिल सो फार। इसका कॉस्ट है 299 रुपीज़, लेकिन मुझे शायद 250 में ही मिल गया था। मैं एक्यूरेट प्राइस मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा। अनदर प्रोडक्ट जो मैंने परचेस किया है फ्रॉम purple.com, वो है मेरा एक हेयर कलर, जो मैं नॉर्मली घर पे ही हेयर कलर करती हूँ अपना, मतलब मुझे आता है करना, तो मैं नॉर्मली घर में ही अपना हेयर कलर कर लेती हूँ। तो बहुत दिन हो गया है मैं अपना हेयर को कुछ कलर वैसा किया नहीं है, तो मैंने एक हाइलाइटर परचेस किया है फ्रॉम स्ट्रेक्स। ये वाला बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल है, 175 रुपीज़ में, मुझे शायद 130 में पड़ा था। दोनों मैंने दो बॉक्स मैंने लिया था, क्योंकि एक मेरे लिए सफिशियंट नहीं है मेरे हेयर पे। अगर आपका हेयर और ज़्यादा लंबा है, बहुत ज़्यादा थिक हेयर है, तो आपको 3 परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए ये 2 इनफ है। ये है वाइब्रेंट ब्लॉन्ड, वाइब्रेंट ब्लॉन्ड, ठीक है। एक है सॉफ्ट ब्लॉन्ड, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं चाहिए तो आप सॉफ्ट ब्लॉन्ड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये वाइब्रेंट ब्लॉन्ड ही चाहिए था, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा हेयर पे हाईलाइट करूँ। जब मैं ये हाईलाइट करूँगी, उसका मैं अलग से एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, तो ताकि आप लोगों को भी ईजी हो कि अगर आप घर में ही आपके हेयर को एक डिफरेंट मेकओवर देना चाहते हो या फिर डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हो, आप उस हिसाब से आप अपने हेयर को हाईलाइट कर सकते हो। और मैं उस टाइम पे ही आपको बता दूंगी कि ये इसका जो प्रोसीडियर है, कैसे यूज़ करना है, मैं आपको सारा डिटेल तभी बता दूंगी अलग डिफरेंट वीडियो में। मूविंग टू दी अनदर प्रोडक्ट जो कि मेरा स्ट्रिक्स से ही है, ये एक हेयर सीरम है। अगर आपने हेयर कलर किया है तो, या फिर आप, मैंने जैसे कि स्ट्रिक्स का ही प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है, तो मैंने सोचा है कि स्ट्रिक्स का ही मैं क्यों ना हेयर सीरम भी यूज़ करूँ। तो ये आपके हेयर को मतलब पॉलिशिंग एंड स्मूदनिंग सीरम फॉर सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर। इसको आप यूज़ कर सकते हो टू गिव योर हेयर सम शाइनी इफेक्ट एंड सॉफ्ट करना चाहते हो आप अपने हेयर को। अगर आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी है, कलर यूज़ करने के बाद थोड़ा बहुत फ्रिजीनेस आ जाता है हेयर पे, तो उस टाइम पे आप ये सीरम यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करने के लिए आपको आपका हेयर जो है थोड़ा वेट होना चाहिए। वेट हेयर में आपको थोड़ा सा क्वांटिटी अपने पाम में लेना है, उसके बाद इसको रफ करके फिर आपको ऐसे ऐसे जस्ट लास्ट पोर्शन में, जहाँ पे आपका, मान लीजिए आपका स्प्लिट एंड्स, अगर हेयर आप नहीं चाहते स्प्लिट एंड्स हो,
तो आप इसे नॉर्मली हेयर में, वेट हेयर में आप इसको जस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। और इसके अलावा आप दिन में कभी भी इसको यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपका हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गया है, बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट ऑन योर हेयर। सो मैं अगर थोड़ा सा इसको मैंने जस्ट यहाँ पे लिया है, इसको ऐसे रब करना है। स्मेल सो गुड, जस्ट ऐसे करके रब करके आपको ऐसे ऐसे आपको लोअर पोर्शन में इस तरह से, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आप मत दीजिएगा नहीं तो आपका हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। सी बहुत ही ज़्यादा, अब इसको आप जिस तरह से चाहते हो आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। मैंने अभी ड्राई हेयर में अप्लाई किया है, लेकिन आप अगर चाहो तो आप मतलब आपको यूज़ करना है तो आप वेट हेयर में यूज़ कीजिएगा, और अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप दिन में कभी भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी यूज़ किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने परचेस किया है वो एक छोटा सा NYB का ब्लिंकिंग आई शेडो परचेस किया है, जो कि नॉर्मली यही कलर का आई शेडो है, और ये इसका जो शेड है वो है डाउनटाउन 21। सो लेट मी ओपन इट अप। ओके, ये आपको इस तरह से पुश करना है तो आपको एक छोटू सा आई शेडो मिलेगा, दिस इज द कलर। कभी कभी होता है कि बहुत लाइट कलर मुझे यूज करना पसंद आता है, तो दिस इज द कलर। जस्ट आप एक नॉर्मल सा लाइट इफेक्ट देना चाहते हो आपके आई लिड पे, सो देन यू कैन यूज दिस कलर। दिस इज वेरी लाइट कलर और ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, यू कैन सी। जस्ट नॉर्मल सा एक, अगर आप बहुत ज्यादा लाउड मेकअप नहीं करना चाहते हो देन यू कैन परचेज दिस कलर टू। इसका बहुत सारा कलर और है, पर शेड आपको 103 या फिर इसमें 115 में मिल जाएगा। सो मैंने ये वाला कलर परचेस किया है क्योंकि मुझे थोड़ा कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा लाइट शेड मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, अगर मैं कुछ भी मेकअप ना करूँ नॉर्मल एक शेड, लाइट शेड जो होता है, न्यूड शेड जो होता है वो मैं अप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, दीज आर द प्रोडक्ट आई हैव परचेस फ्रॉम purple.com। ये मेरा फर्स्ट हॉल है फॉर दिस ईयर, होपफुली नेक्स्ट और भी हॉल आएगा, ठीक है। और मैं ज़रूर आप लोगों को जितना सारा प्रोडक्ट है स्किन केयर वाला उसका डिफरेंट डिफरेंट मैं वीडियो शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। आई एम श्योर यू विल लव दिस वीडियो एंड जितना सारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके लिए यूज़फुल हो। मैं वही कोशिश करूँगी आपको प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करने के लिए, दिखाने के लिए प्रोडक्ट कैसा है, एक्यूरेट है या नहीं है, जो भी है। आज का वीडियो बस इतना ही था, आई एम श्योर यू विल लव दिस वीडियो। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू गाइज आर न्यू हियर देन ऑल्सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ माई चैनल, ओके। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, मैं वहाँ पर भी वीडियो शेयर करती हूँ, मेकअप वाला वीडियो भी शेयर करती हूँ। नॉर्मली मैं यूट्यूब में अभी उतना ज़्यादा मेकअप वीडियो नहीं शेयर करती हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मली स्किन केयर वाला ही प्रोडक्ट ज़्यादा शेयर करूँगी अभी से, और कोई व्लॉग होगा वो मैं शेयर करूँगी अभी से। और अगर आपको मेकअप वाला ट्यूटोरियल चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकती हूँ, लेकिन बाकी मैं फेसबुक में ही करती हूँ या फिर इंस्टाग्राम में ही करती हूँ, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, चेक कर सकते हो। अगर कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट वाला रिव्यू चाहिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी वही सारा प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और स्टे सेफ, कीप लविंग मी, लव यू गाइस सो मच, बाय बाय।